प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एनी अपडेट। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है चीख। वास्तविकता पे आधारित है, वास्तविक घटना है, लेकिन थोड़ा सा कथानक का रूप देने के लिए इसका कथा रूप में चित्रण किया गया है। आज के प्रारूप में मैं एक माँ हूँ, मेरी एक बेटी है काम्या। काम्या एक दिन अचानक स्कूल से घर आई और ज़ोर से नाराज़ होती हुई बोली, आप मुझे लेने क्यों नहीं आई मम्मी? मैंने कहा, बेटा भैया को भेजा था ना, घर पे गेस्ट आए हुए हैं, लंच बनाना था। नहीं, लेकिन मैंने कहा है आपको आना था, आपको ही आना था, आप क्यों नहीं आए? मैंने कितनी बार कहा आप किसी और को लेने मत भेजा करो। काम्या मेरी बेटी बिल्कुल ऐसी नहीं थी, वो कभी किसी बात पे नाराज़ नहीं होती थी, बहुत ही आज्ञाकारी, सीधी सच्ची, बहुत समझदार लड़की है। आज अचानक इस तरह क्यों बर्ताव कर रही है समझ नहीं आया। वो पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई, मैं भी पीछे पीछे उसके कमरे में गई। देखा तो वो रो रही थी, प्यार से उसको दुलारा, सहलाया, लाड़ लड़ाया, पूछा हुआ क्या है? आपसे कितनी बार कहा है मम्मी आप किसी और को मत भेजा करो? लेकिन बेटा भैया हैं, घर पे गेस्ट आए हुए हैं, हुआ क्या ये तो बता। वो मुझे इधर उधर टच करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, और आज तो उन्होंने मुझे पपी भी करने की कोशिश की। सहसा मेरे कदमों के तले से जमीन निकल गई थी। आज अचानक मैं 17 साल पहले कहीं पहुंच गई थी, 17 साल पहले जब मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। वैसे मुझे हॉस्टल में होना चाहिए था, लेकिन मेरी पर्सनल चॉइस की वजह से मैं रूम लेकर रहती थी। बड़ा घर था, मेरे अलावा वहाँ बहुत सारे किराएदार और भी रहते थे, लेकिन मेरे बिल्कुल पड़ोस में मेरे एक बच्ची रहती थी जिसको सब प्यार से बबली कहते थे। उनके घर में सास बहू वाले जो एपिसोड हैं वो अक्सर होते रहते थे, और शायद इसीलिए वो भागकर मेरे पास आ जाती थी। मुझे बच्चों से प्यार भी था और वो भी मुझे पसंद करती थी, इसलिए धीरे धीरे वो मेरी सहेली बन गई। बबली, सीधी साधी, बहुत ही प्यारी, 10 या 11 साल उसकी उम्र। एक दिन दौड़ते हुए मेरे पास आई, दीदी दीदी आपको पता है आज हमारे घर बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं? इनका रेवा, क्या बात है दीदी, पता है सब शादी में जा रहे हैं, आपको पता है कहाँ जा रहे हैं? कलकत्ता, बहुत दूर है, और पता है वहाँ पानी वाले जहाज भी चलते हैं। इनका रेवा, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लेके जा रहे, दादी ने मना किया है। दादी पुराने विचारों की, घर में लड़की का होना उन्हें सुहाता नहीं था, बेटी है, दहेज देना पड़ेगा, हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, कैसे भाती पोती थी। इन्हीं कारणों के चलते वो अपनी पोती को पसंद नहीं करती थी। आपको पता है हमारे इतने सारे मेहमान हैं ना, दादी को ही लेने आए, सब चले जाएंगे शादी में, बस मुझे नहीं लेके जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। क्योंकि वो सहेली भी थी मेरी, मैंने उसको समझाया, कोई बात नहीं, हम दोनों यहाँ हैं ना, मस्ती करेंगे, धमाल करेंगे, घूमने चलेंगे हम। वो खुश हुई, दीदी चलो अभी मैं जाती हूँ। उसको जाना भी था, पड़ोस में रहती थी, हक नहीं था मेरा कि मैं उसको मेरे पास रोक सकती। वो कहती हुई चली गई। उन दिनों मेरे परीक्षा का समय था, मैं थोड़ी अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि कुछ दिनों से मैं उससे मिली भी नहीं। एक दिन अचानक दिन में पढ़ते पढ़ते बहुत ज़ोर से किसी ने मेरे दरवाजे को खटखटाया। इतनी ज़ोर से मेरा दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? 2 मिनट के लिए अवाक बैठी मैं, देखती रही, सोचती रही क्या हो क्या रहा है। जाके उठ के दरवाज़ा खोला, बाहर बबली खड़ी थी। मैं 2 मिनट कुछ बोल नहीं पाई। क्या हुआ है बबली? दीदी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, दीदी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, निशब्द सी वहां खड़ी हुई थी। हुआ क्या है बबली? दीदी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कुछ समझ नहीं पाई, उसको अंदर आने की कहा। अभी मेरी बात खत्म भी नहीं हुई थी तभी पीछे से भागते भागते उसके चाचा उसके पास आए। अरे ये यहां है, मैं इसे कब से ढूंढ रहा था। अचानक से अपने चाचा को देखकर उसका मेरे पीछे छुप जाना
मुझे अखरा, कुछ संकोच सा हुआ, लेकिन उसकी इस बात को समझते हुए मैंने उनसे कहा, बहुत दिनों बाद मिली है, इसे थोड़ी देर मेरे पास रहने दीजिए, मैं इसको घर भेज दूंगी। अरे लेकिन मुझे चिंता हो रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इसे मेरे पास छोड़ दीजिए, ये थोड़ी देर बाद आपके पास आ जाएगी। मेरी बात टालना आसान नहीं था, समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, डॉक्टर बनने जा रही थी, दूसरा वो मेरी सहेली भी थी। वो चले गए। ये जो चाचा हैं, ये उसके एक दूर के रिश्तेदार हैं जो उन मेहमानों के साथ यहाँ आए थे। इसके मम्मी पापा, बबली के मम्मी पापा नौकरी पेशा थे, दोनों चले जाते थे, पीछे अकेले घर में कोई रह जाता था तो उसके चाचा और बबली थे। मेरी व्यस्तता के कारण बहुत दिनों से मैं बबली से मिली नहीं थी, इसलिए मुझे ये सब चीज़ें बाद में पता चली। मैंने बबली को बहुत प्यार से मेरे पास बैठाया और पूछा, बेटा हुआ क्या है? वो रोती रही, दीदी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं उसको बहुत प्यार से समझाते हुए सहलाते हुए पूछती रही, बेटा हुआ क्या, बात तो बता, तेरे दर्द हो रहा है, मैं दवा दे दूंगी, तेरे दवा लगा दूंगी, मैं डॉक्टर हूं, तू मुझे बता तो सही। वो जाके चुपचाप मेरे बिस्तर पर लेट गई। किसी चीज का डर था मुझे, एक शंका थी, एक संकोच भी था। जैसे ही वो जाके बिस्तर पर लेटी, कहीं ना कहीं उस डर की पुष्टि हो रही थी, लेकिन बिना कुछ बोले मैं उसके पास गई, उसके कपड़े हटाए दवा लगाने के लिए। लेकिन अब शायद कहने को कुछ बाकी नहीं बचा था। उसको देखकर सहसा ही एक अविरल अश्रुधारा मेरे गालों से बहती चली गई। उसे मुझे देखकर ये तो एहसास हुआ है कि कुछ हुआ है, लेकिन क्या हुआ है ये समझने के लिए वो बहुत छोटी थी और मैं समझाने के लिए शायद इतनी बड़ी नहीं हुई थी। मैं कुछ कह नहीं पाई, उसको दवा लगाई, चुपचाप अपने पास बिठाया और उसको कहा, बेटा शाम को जब मम्मी पापा घर आए तो उन्हें बताना। बताया था दीदी, मम्मी पापा को बताया था, मम्मी को कहा था मैंने, ये चाचा मुझे इधर उधर टच करते हैं, तो मम्मी ने मुझे कहा, चाचा हैं तुम्हारे, प्यार करते हैं तुमसे, हम चले जाते हैं, पीछे से जिम्मेदारी हो ना तुम उनकी, प्यार नहीं करेंगे तुम्हें। इस तरह के समाज में आजकल जिस तरह का माहौल हमारे यहाँ चल रहा है, जो चीज़ें हमारे समाज में हो रही हैं, हम उनके लिए सबको दोष देते हैं, बाहर वालों को खासतौर पर। क्या कभी हमने अपने आप को टटोलने की कोशिश की कि हम खुद उसके लिए कितने जिम्मेदार हैं? क्या हम माँ बाप की तरह अपना जिम्मेदारी से फ़र्ज निभा रहे हैं? क्या हम कमाई में इतने व्यस्त नहीं हो गए कि हमें हमारे बच्चों से बात करने की फुर्सत नहीं है, उन्हें टटोलने की फुर्सत नहीं है, उन्हें जानने की फुर्सत है? नहीं है। हम दूसरों को दोष दे देते हैं, कहीं ना कहीं हम खुद इस चीज़ के लिए दोषी हैं। हमारे समाज में हो रही इन सारी बुराइयों के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम शाम तक, जब तक मम्मी नहीं आती, मेरे पास रुको। वो मेरे पास रुक गई, थोड़ी देर चुप भी हो गई। बाद में उसने मेरे से एक बात पूछी, दीदी क्या प्यार में इतना ही दर्द होता है? क्या कोई प्यार करता है तो उसमें इतना ही दर्द होता है? मेरे पास उसके उस सवाल का जवाब नहीं था, क्योंकि मैं उसको समझा भी नहीं पा रही थी कि उसके साथ जो हुआ है वो प्यार नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी उस अवस्था को देखकर अपने ही आप से ये वादा कर रही थी कि जो उसके साथ हुआ वो मेरे परिवार की या मेरे आसपास किसी और बच्ची के साथ नहीं होगा और मैं होने नहीं दूंगी। लेकिन आज जब अपनी ही बेटी के वो शब्द सुने तो मैं अपने आप को कोस रही थी, धिक्कार रही थी कि क्यों मैं अपने ही आप से किया हुआ वो वादा भूल गई, क्यों आज मैं 17 साल पहले उस बबली की वो चीख भूल गई, वो चीख जो आज भी गूंजती है मेरे कानों में। ये मेरा एक छोटा सा संस्मरण था जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया।
लेकिन जब मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैं इसमें कहाँ फिट होती हूँ या मैं कहाँ क्या करती अगर मैं उसकी जगह होती, तो मैं अपने आप को बबली की माँ की जगह रख के देखती हूँ कि अगर मैं बबली की माँ होती तो मैं कतई अपनी बेटी के ऊपर हुए अन्याय को नज़रअंदाज नहीं करती, कतई उसको समझाने की कोशिश नहीं करती कि ये प्यार है। मैं बोलती ये गलत है, उससे बात करती, उसे समझाती, उसे सिखाती कि नहीं, ना कहना आना चाहिए, जो गलत है वो गलत है, और पूरी कोशिश करती कि जो उसके चाचा थे उनको उसके किए की सजा मिलती। जरूरी भी था, जो चीज़ आज मेरी बेटी के साथ हुई कल किसी और की बेटी के साथ भी होती। एक बार उठाया हुआ कठोर कदम शायद आने वाली बहुत सारी बच्चियों की जिंदगी बचा सकता था। हाँ, मैं उसकी मम्मी की जगह होती तो यही करती। आप क्या करते ये आप सोचिए, ये आपका कॉल है।